जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप ही का अपना चैनल है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों तभी आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले प्राप्त हो सकेगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों, रसोइयों, अस्थायी कर्मियों, प्राइवेट कर्मियों, आंगनबाड़ी वर्कर से संबंधित भारत के अगर किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे वह मानदेय बढ़ोतरी, वेतन बढ़ोतरी को लेकर के हो, या आपका स्थायीकरण, नियमितीकरण, या आपका जो रुका हुआ मानदेय या वेतन है वो कब तक आपके अकाउंट में आएगा, और आपका जो अनुबंध है वो कितना आपका बढ़ने वाला है, कहाँ किस किस राज्य में जो संविदा कर्मी है उनका अनुबंध बढ़ाया गया है, तो ऐसे करके सारे दोस्तों हम खबर आप कवर करते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप स्वास्थ्य विभाग में ANM, JNO, आयुष डॉक्टर के पद पर कार्यरत हो, या फिर परिवहन विभाग में ड्राइवर कंडक्टर, या फिर आप शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक, पैरा टीचर, और आप ग्राम पंचायत सहायक के पद पर हो, या मनरेगा में आप कार्यरत हो संविदा पे, तो दोस्तों आपके लिए खबर सबसे पहले लाई जाती है। दोस्तों आपके किसी भी राज्य में अगर आपकी वेतन की बढ़ोतरी होती है, चाहिए दोस्तों बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार में आप किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य करते हो और आपका वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रहा है कई दिनों से, कोई भी अगर आपको परेशानी है तो दोस्तों कमेंट करके हमको बता सकते हो, आपका उसका क्या सोल्यूशन होगा दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ में आप बने रहिएगा। दोस्तों जैसे कि पता होगा दोस्तों, संविदा कर्मियों के 90% वेतनमान को लेकर मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जो लेटर आया था हमारे पास में, हमने आपको दिखाया हुआ था कि 90% वेतनमान देने के लिए सरकार राजी हो गई, लेकिन उससे लेकर के अभी एक नया मोड़ आया दोस्तों, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों हम हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या है खबर। 127 करोड़ की मांग फाइल 6 माह से अटकी है वित्त विभाग में। संविदा कर्मियों को 90% वेतनमान पर NHM डायरेक्टर और अध्यक्ष आमने सामने। डायरेक्टर बोले सिर्फ 12 कैडर को 90% वेतन देना बाकी है। अध्यक्ष ने कहा झूठ बोल रहे हैं डायरेक्टर, एक भी कैडर को नहीं मिला 90% वेतन। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित पद पर 90% वेतन देने को लेकर के NHM की डायरेक्टर और कर्मचारी स्वास्थ्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने हो गए। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले 19,000 से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को वेतन में के लेकर NHM हेल्थ मिशन और मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन में ठन गई, और मामला संविदा कर्मचारियों को नियमित पद पर 90% वेतन देने का है। और 5 जून 2018 को प्रदेश शासन ने आदेश जारी किया था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के 90% के वेतन के बराबर दिया जाना चाहिए, और इस आदेश के बाद पुलिस, हाउसिंग कॉरपोरेशन, महिला एवं बाल विकास, कुष्ठ उन्मूलन, राजस्व, भूमंडल सहित 12 विभागों में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों को बढ़ावा वेतन देना शुरू कर दिया। NHM ने मामला अटका दिया और NHM के अधिकारी संविदा कर्मचारी को बढ़ा देने के लिए पहले तो आना कानी करते रहे, फिर टाइम स्केल देकर वेतन बढ़ाने का हवाला देने लगे, और कुल मिलाकर 1.5 वर्ष बाद भी 19,000 कर्मचारियों को बढ़ावा वेतन नहीं मिला। और NHM के डायरेक्टर का कहना है कि 34 कैडर में संविदा कर्मचारी को बढ़ावा वेतन मिलने लगा है, और सिर्फ 12 कैडर में कर्मचारियों को 90% वेतन देना बाकी है। वो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी को संघ को प्रदेश अध्यक्ष सौरभ ने कहा कि डायरेक्टर इस दावे को गलत ठहराए, और उनका कहना है कि डायरेक्टर झूठ बोल रही है और ये भी कैडर के बढ़ावा वेतन नहीं दिया जा रहा है, और NHM अधिकारी 1.5 साल से इसे लेकर झूठे आश्वासन देने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 4 माह पहले दिया गया, और आंदोलन अभी भी NHM संविदा कर्मचारी जो है वेतन को हर माह वर्ष 3% इंक्रीमेंट भी दिया जाता है, और 10 वर्ष पूरे होने पर इन कर्मचारियों को नया टाइम स्केल भी दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी कर्मचारी को अगर 22,500 रुपये और 10 वर्ष के पूरे कर लेता है तो वह टाइम स्केल को मानकर उसे 30,000 रुपये दिए जाते हैं। NHM पिछले साल टाइम स्केल किया गया था 13,500 कर्मचारियों का इसका मिला, लेकिन 1600 कर्मचारियों को 10 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी ये नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हो ये थी पूरी खबर। सरकार अभी तक जो संविदा कर्मचारियों को जो वादा किया था वो उसमें नहीं निभा रही है, और ये मना भी कर रही है कि हमने दे दिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके राज्य में क्या चल रहा है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। राजस्थान, हरियाणा, UP, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और आपके जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे संबंधित सारी खबर दोस्तों हम कवर करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, और आपको जो अपने साथी जो दोस्त हैं संविदा कर्मचारी उनमें शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।